गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स 2। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले मैट्रिक्स 1 देख लीजिए। मैट्रिक्स 1 में हमने बताया है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड बेसिक बात। आज हम लोग मैट्रिक्स 2 में भी कुछ बेसिक बात ही करेंगे। मैट्रिक्स 2 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिक्स के बेसिक में हमने आपको बताया मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को लिखते हैं कैसे, मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ये सारी बात हमने आपको बता दिया। हमने ये भी लास्ट में बताया था मैट्रिक्स के लेक्चर 1 में कि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर सवाल कहे कि एक 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, 2x2 मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट दिया जाए aij = i-j2। हमको बनाना है एक 2x2 मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स है aij = i-j2। तो 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें पहला रो में होगा a11, a12, दूसरे रो में होंगे a21 और फिर a22। इसका मतलब a11 हमको निकालना है, तो इसका अर्थ होता है i के जगह पर 1 रखिए और j के जगह पर 1 रखिए, तो 1-1 0 का स्क्वायर। अगर हम a12 लिखें तो i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2, तो 1-2 यानी -1 का स्क्वायर यानी +1। अगर हम a21 निकालना चाहें तो a21 मतलब i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, तो 2-1 का स्क्वायर यानी 1। अगर हम a22 निकालना चाहें तो i के जगह पर 2 और j के जगह पर 2, तो 2-2 यानी 0 का स्क्वायर यानी 0। यानी हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा 0-1-1-0। तो इस प्रकार से आप NCERT एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4-5 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4-5 इस पर आधारित है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यानी यहाँ पर सवाल आपको मिलेगा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को निकालने से रिलेटेड आप मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। चलिए इस पर एक अच्छा सा सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हड़बड़ाइएगा नहीं, मैट्रिक्स से ही है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द एलिमेंट्स a22 and a31 of a 3x4 matrix whose elements are given by aij = ½ of modulus of -3i + j। देखिए मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल ये आ गया। सवाल मैट्रिक्स का ही है, बस 11th का क्वाड्रेटिक यूज हो जाएगा। देखिएगा, स्थिर से समझिएगा। कह रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है जिसके एलिमेंट्स हैं a22 और a31, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये जो एलिमेंट है वो एक मैट्रिक्स का है जिसका ऑर्डर है 3x4, और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है aij = ½ of modulus of -3i + j। सवाल समझ ही गए होंगे, फिर से बता रहे हैं आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ एस को कहते हैं सम ऑफ रूट्स और पी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट, यानी हमको पहले रूट निकालना है। तो रूट का मतलब क्या हो गया, यहाँ सवाल कर रहा है कि रूट्स जो है वो है ए टू टू और ए थ्री वन किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है थ्री बाई फोर, ऑर्डर से हमको मतलब नहीं है, और उसका एलिमेंट निकालने का तरीका है ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जे। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए टू टू क्या होगा, ए टू टू का मतलब हो गया आई के जगह पर अब क्या रखेंगे टू और जे के जगह पर रखेंगे टू, तो हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू और प्लस टू, यानी हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस सिक्स प्लस टू यानी माइनस फोर का मॉडुलस, मॉड के बाहर आप जानते हैं पॉजिटिव निकलता है, तो ये हो जाएगा टू। मॉड के बारे में हर वीडियो में हम लगभग बता देते हैं, मॉड एक्स मतलब जो है वही लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो और जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। ध्यान दीजिए मॉड एक्स मतलब एक्स हम नहीं बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं मॉड एक्स मतलब जो है वही लेकिन तब जब इनपुट पॉजिटिव हो और जो है उसका निगेटिव जब इनपुट निगेटिव हो। तो इनपुट निगेटिव है तो जो है उसका निगेटिव यानी माइनस फोर का निगेटिव यानी प्लस फोर आ जाएगा यानी टू टू आ गया, ये टू आ गया, ए टू टू का एलिमेंट हो गया टू। इसी प्रकार से अब हमको क्या निकालना है ए थ्री वन, देखिए एक था ए टू टू, ये देखिए ए टू टू और एक है ए थ्री वन, तो हम निकालते हैं ए थ्री वन, ए थ्री वन, ए थ्री वन का मतलब क्या हो जाएगा वन बाई टू मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री आई, आई का मतलब हो गया यहाँ थ्री, अब प्लस जे, जे का मतलब हो गया यहाँ वन, तो हो जाएगा वन बाई टू माइनस नाइन प्लस वन, तो हो जाएगा माइनस एट और मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो प्लस एट का हाफ हो जाएगा फोर, यानी जो रूट्स है वो हो जाएगा टू और फोर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो। समझ गए होंगे बात को, हम क्वाड्रेटिक नहीं बता रहे हैं, हम मैट्रिक्स बता रहे हैं उसमें क्वाड्रेटिक को यूज किया। यहाँ कह रहा था कि एक थ्री बाई फोर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपको निकालना है ए टू टू और ए थ्री वन, और एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जे। अब संजोग से ये दोनों एलिमेंट जो है वो किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, इसको किसी से भी रिलेट कर सकते हैं आप, कोई भी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, हर टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैट्रिक्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं मैट्रिक्स का बेसिक में, हेडिंग लगाइएगा इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जो है देख रहे हैं, अभी बेसिक है मैट्रिक्स का इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो ध्यान दीजिएगा द टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ध्यान दीजिए टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ध्यान देना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो बात पर ध्यान देना है कि दो मैट्रिक्स बराबर तब होगा जब उनका ऑर्डर सेम हो जाए, जैसे ए बी सी डी और एक मैट्रिक्स है मान लीजिए वन टू थ्री फोर, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या लिखने के लिए बताए थे एम बाई एन, एम मतलब रो आई एन मतलब कॉलम, तो टू बाई टू, इसका ऑर्डर क्या है टू बाई टू, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया सेम। तो दो अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है
तो ये इक्वल हो सकता है। कब? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका ए वन वन और इसका ए वन वन बराबर होनी चाहिए, इसका ए वन टू इसके ए वन टू के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है ए बी सी डी और ये वन टू थ्री फोर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का मान वन होगा, बी का मान टू होगा, सी का मान थ्री होगा और डी का मान फोर होगा। समझ रहे हैं बात को? अगर कोई दो मैट्रिक्स को हमको इक्वेट करना है तो आपको ये बात पहले मान लेना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और दूसरी बात इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। ये कॉरस्पॉन्डिंग में समझने वाली बात है, यहाँ से आईटी भी सवाल उठाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट अपने पोजिशन के हिसाब से सेम होनी चाहिए। ये जिस पोजिशन में है उस पोजीशन में वो एलिमेंट होनी चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता है, कोई एक भी एलिमेंट, तो वो मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा। सो सिंपल, टू मैट्रिसेज आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड हैविंग सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। जैसे एनसीईआरटी का ही सवाल ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। 4, 3, x, 5 बराबर दिया हुआ है वाई जेड 1 और 5, तो सवाल कहता है कि एक्स बाई जेड का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और एनसीईआरटी का। कंसेप्ट बताने के क्रम में ही हम एनसीईआरटी पूरा बता देते हैं, ये हमारा पढ़ाने का अपना तरीका है। जैसे ही कंसेप्ट हम सिखाते हैं उसको सिखाने के लिए प्रॉब्लम जो हम उठाते हैं वो एनसीईआरटी का ही होता है, फिर बाद में और सारे प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ कि टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर जोर देना है, एक एक एलिमेंट बराबर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा सवाल इसमें हम एक दो बताएंगे जहां से आपको पता चलेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा। प्लीज वीडियो को अंत अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। अभी सवाल पर फोकस कीजिए। सवाल कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है तो x बाई जेड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। यानी 4 के जगह पर क्या है भाई, तो बाई देख रहे हैं, तो बाई का वैल्यू हो गया 4। अच्छा x के जगह पर क्या है, तो 1, तो x का वैल्यू हो गया 1। अच्छा z के जगह पर क्या है, 3, तो जेड इज इक्वल्स टू 3। अच्छा ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, देखिए 5-5 बराबर है तो हमको एक्स वाई जेड मिल गया। सो सिंपल। इसी में एक सवाल और है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.1 का 6 का दूसरा नंबर सवाल है, 6 का दूसरा नंबर। मैट्रिक्स कह रहा है कि एक एक्स प्लस वाई और यहाँ है 5 प्लस जेड, ये है 2 और ये है एक्स वाई बराबर है 6, 2, 5, 8। सवाल कहता है एक्स वाई जेड को निकालिए। तो दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है तो एलिमेंट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे वो बराबर होंगे। यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 6, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। देखिए एक्स इंटू वाई हो जाएगा 8, एक्स इंटू वाई हो गया 8 और 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू हो गया 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो जेड का वैल्यू हो गया आपका 0। जेड का वैल्यू तो आपको मिल गया 0, इसमें कोई शक ही नहीं। अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तब इसको तो सिंपल इक्वेशन है, 10th क्लास के हिसाब से आप बना लीजिए। हम ऐसे ही ट्रिक्स से बना देते हैं, दो संख्याओं का ऐड जो है 6 है और प्रोडक्ट है 8, तो एक वो संख्या है 4 और 2 कि 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। अब देखना है कि x 4 होगा
कि बाई फोर होगा, एक्स फोर होगा कि बाई टू होगा, अभी दोनों में मिला करके देख लेना है। तो कोई भी हो सकता है, एक्स बाई देखिए कुछ भी है, एक्स गुना बाई है एट और एक्स प्लस बाई है सिक्स, एक्स और बाई कहीं और नहीं है, तो एक्स के जगह पर जब फोर लेंगे तो बाई टू हो जाएगा और एक्स के जगह पर जब टू लेंगे तो बाई फोर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, जब एक्स फोर तो बाई टू और एक्स टू तो बाई फोर और जेड का वैल्यू हो जाएगा जीरो। यानी दो तरह की बात हो सकती है, दो आंसर हो जाएगा, है ना, एक्स का वैल्यू फोर बाई का वैल्यू टू जेड का वैल्यू जीरो, या एक्स का वैल्यू टू बाई का वैल्यू फोर और जेड का वैल्यू जीरो। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। एक और सवाल देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है और उसके बाद आपको एलिमेंट्स बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है। क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर है आपका x प्लस जेड और यहाँ पर है आपका y प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ये है 957। तो कहता है x बाई जेड का वैल्यू निकालिए। सवाल टफ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान ही हो सकता है, अब आसान चीज़ से भी टफ सवाल बना सकते हैं। ये मैट्रिक्स कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो सवाल कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान बताइए। सो सिंपल, क्या करेंगे भाई, देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले देख लीजिए सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 1, तीन रो और एक कॉलम। ये भी देखिए 3 रो और एक ही कॉलम है, यानी कि 3 एलिमेंट हो गया तो 3 कॉलम हो गया। ये एक ही एलिमेंट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 3 रो एंड 1 कॉलम, यहाँ भी हो गया 3 रो और 1 कॉलम, तो एलिमेंट तो सेम है भाई, सॉरी ऑर्डर तो सेम है, तो एलिमेंट सेम होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। फिर आप लिख सकते हैं x प्लस जेड हो जाएगा 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और y प्लस जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7। अब यहाँ से आप x y z का मान रख दीजिए, तो 1 में पहले y प्लस जेड रख दीजिए, तो x जोड़ y प्लस जेड का वैल्यू हो गया 7 इज इक्वल्स टू 9, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 2। फिर 1 में ही अबरी x प्लस जेड का वैल्यू रख दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू है 9। अब x प्लस जेड रख दीजिए, तो x प्लस जेड हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा y, तो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 यानी 4। अब x और y दोनों का मान रख दीजिए 1 में, तो मिल जाएगा आपको z का मान। तो देखिए x का वैल्यू हमको मिल गया 2, y का वैल्यू मिल गया 4 और जेड का वैल्यू हम नहीं जान रहे हैं, बराबर है 9, तो जेड इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 और 2, 4 और 2 6, तो 9 माइनस 6 हो गया 3, यानी आपका आंसर हो गया क्या, एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड जेड इज इक्वल्स टू 3। एक सवाल हम लिख देते हैं, आप घर में बनाइएगा, कमेंट में आंसर लिखिएगा जरूर। क्वेश्चन कहता है कि दो मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी, 2a-b, 2a+c, 3c+d इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका -1, 5, 0 और 13। ये भी NCERT का ही सवाल है, आपको इसमें फाइंड कर देना है a, b, c और d। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको कुछ पूछना उछना हो, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9905208472, इस पर आप व्हाट्सएप करके कोई सवाल पूछ सकते हैं 9905208472। चलिए इसी टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं, ज़्यादा नहीं चलेंगे। मैट्रिक्स पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, लेकिन इसी बीच हम कुछ सवाल कर लेते हैं NCERT का। और जैसे देखिए एक सवाल आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सवाल NCERT का, 3x+7, 5, यहाँ है y प्लस 1 और यहाँ है 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 0, y-2, 8 एंड 4। सवाल कहता है कि ये दोनों अगर बराबर है तो ऑप्शन ए में x इज इक्वल्स टू -1/3 होनी चाहिए, y इज इक्वल्स टू 7 होनी चाहिए। बी कहता है नॉट पॉसिबल टू फाइंड
सी नंबर सवाल का ये ऑप्शन कहता है y इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू -2/3 और डी ऑप्शन है आपका x इज इक्वल्स टू -1/3 और y इज इक्वल्स टू -2/3। ये एक ही सवाल है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ से एनसीईआरटी की खूबसूरती का पता चलता है। बेहतरीन सवाल, मन से आप समझिएगा, कहेगा इसमें मन से क्या समझना है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल कर देंगे, लेकिन बनाइए आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या सवाल कह रहा है। आप बिल्कुल फंस जाइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो 3x+7 इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -7/3, कहिएगा x बराबर -7/3 कहीं है ये नहीं है, सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा उसमें ऑप्शन ई भी डाल देगा, x इज इक्वल्स टू -7/3। लेकिन ये भी तो ध्यान देना है कि यहाँ भी तो x कंटेन कर रहा है, तो x का इसी वैल्यू इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 2-3x इज इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2-4 यानी -2 इज इक्वल्स टू 3x और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2, x इज इक्वल्स टू -3/2। इसका मतलब क्या हो गया कि x के दो दो वैल्यू हमको प्राप्त हो गए, तो x का दो वैल्यू कैसे हो सकता है एक ही इक्वेशंस के लिए, तो x का एक ही यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए जिसके चलते ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम यहाँ से आंसर तुरंत मार देंगे बी, क्या नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसा नहीं कि हम लोग सब कुछ देख लेंगे, y के मान पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ y-2 है, तो y-2 इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, यानी y इज इक्वल्स टू 7 होनी चाहिए। लगेगा ये y इज इक्वल्स टू 7 तो है नहीं, ये भी तो वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो y+1 इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 7, तो y तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन x सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर से देखिए x क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखिए 3x+7 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी 3x+7 0, तो x इज इक्वल्स टू हो गया -7/3। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर कुछ और दे रहा है, 2-3x इज इक्वल्स टू 4 जब करते हैं, तो देखिए 2-4 यानी -2 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3। तो देखिए आपको लग रहा है एक ऑप्शन है कि x इज इक्वल्स टू -2/3 और y इज इक्वल टू 7, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि x का हमको दो दो वैल्यू मिल रहा है, हम -2/3 लें कि -7/3 लें, यानी x का मान यूनिक नहीं मिल रहा है जिसके चलते ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, तो आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों आंसर होगा, क्योंकि x के कोई यूनिक वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके चलते हम ये कह सकें कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। एक और सवाल, आखिरी बहुत ही खूबसूरत सवाल, इसको हमने डिटर्मिनेंट में भी बताया है, इस सवाल को आप देख ही लीजिएगा जा करके। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, ए में है 27, बी में है 18, सी में है 81 और डी में है 512। ये सेम सवाल हम आपको डिटर्मिनेंट में भी बता चुके हैं, यहाँ भी एक बार बता देते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, यानी एक मैट्रिक्स हमको बनाना है जिसका ऑर्डर है 3/3, यानी इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है m×n यानी 9, यानी 9 एलिमेंट्स है, लेकिन कह रहा है सवाल में कि इसकी एंट्री 0 और 1 होनी चाहिए, यानी जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे उसमें या तो आप खाली 0 0 लीजिए, या आप 1 1 लीजिए, या फिर 0 1 0 0 लीजिए, या फिर 0 0 0 1 लीजिए, यानी कुछ भी कीजिए, पर एलिमेंट के रूप में आपको सिर्फ लेना है 0 और 1,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो और वन को अरेंज करना है, अरेंज करना है कितने प्लेसेज पर, तो नाइन प्लेसेज पर, नाइन प्लेसेज पर। तो ये सवाल परमुटेशन का हो गया। तो इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज टू थिंग्स एट नाइन प्लेसेज व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, आंसर इज एन टू द पावर एर, एन टू द पावर आर, दैट इज टू टू द पावर नाइन, सो आंसर इज 512। फिर से आप समझिए, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स, दैट मीन्स वी हैव नाइन एलिमेंट्स, बट द एंट्रीज आर 0 and 1, सो वी मस्ट हैव टू इंक्लूड 0 and 1 ओनली एज द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज वी अरेंज द एलिमेंट 0 and 1 एट 9 प्लेसेज, यानी दो वस्तुओं को 9 जगहों पर अरेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली रिपीट हो गया। तो दो वस्तुओं को 9 जगहों पर अरेंज करने का तरीका क्या होगा भाई, 2 to the power 9, क्योंकि n वस्तुओं को r जगह पर अरेंज करने का तरीका होता है n टू दी पावर r, जब रिपीटिशन अलाउड हो, और जब अलाउड नहीं हो तो npr, परमुटेशन है npr। तो इसका आंसर हो गया 2 to the power 9, 512। हम उम्मीद करते हैं कि आज का आपका ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने मैट्रिक्स के बेसिक को सीखा है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। तो आसानी से एक एक चैप्टर को आप पढ़ते चल जाइए, डिटरमिनेंट के चैप्टर को आप एक बार फिर से देखिए, और भी कई एक सारे वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।